हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। आज है संडे और ये जो कियारा मेरे गोदी में ऐसे अच्छे बच्चे की तरह बैठी है, इसका रीज़न ये है कि टुडे इज अ शार डे। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. और फ्लरी फिलहाल गई है शार लेने और इसको पता है कि फ्लरी आने के बाद इसका बारी है, इसलिए घर में छुप के बैठी है, छुप के बैठी है। नहीं, आ गई है, मतलब फ्लरू फ्लरू आ गई ना के। आइए बंदर को देखो। हाँ, अब तुमको भी जाना है। वैसे पूरे घर में चक्कर लगा के अभी जब पता चला है कि अभी नहाने जाना है, यहाँ पे भी नहाना पड़ेगा, तो हो गया। कियारा को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल 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 पसंद नहीं है। तो यहाँ पे है फ्लरी को ड्राई करने का सेटअप। फ्लरी नहा के बाहर आ जाएगी, फिर मैं कर दूंगी फ्लरी को ड्राई। यहाँ पे हम एक ही ड्रायर लेके आए हैं और उसके बाद कियारा जाएगी, उसके बाद कियारा का हो जाएगा, तो मैं कियारा को भी ड्राई कर दूंगी। इट्स टू हॉट एंड ह्यूमिड फ्रॉम लास्ट टू डेज। चल के थोड़ा इस रूम से बाहर भी जा रही हूँ तो लग रहा है कि पूरा पसीना पसीना पूरा टाइम एकदम चिप 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 लग रहा है। होपफुली टुमारो और डे आफ्टर इट्स गोना पोर रियली हैवी। लेट्स सी क्या होता है। ये है फिलहाल बाहर का सिचुएशन। इतना धूप, इतना धूप, बाप रे बाप। तो यहाँ पे हम ये नए कंडीशनर ट्राई कर रहे हैं। Obvious, fuck it, I'm made this way. But why did I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me for a pass. This one is also from Pet Veda. वहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे थे वो भी काफ़ी अच्छा था, बट हमें लगा हमें थोड़ा सा और ज़्यादा नरिशिंग एंड कंडीशनिंग कुछ चाहिए। अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग एलेंटॉइन कंडीशनर, इसमें कोकोनट ऑयल है, एलेंटॉइन है एंड एलोवेरा है। नरिशिंग कोकोनट ऑयल जस्ट लाइक योर नर्चरिंग टच एंड दिस इज अगेन सल्फेट एंड पैराबिन फ्री। फ्लरी के बॉडी से बिल्कुल ही कोकोआ बटर मॉइस्चराइजर का जैसे स्मेल आता है वो आ रहा है, तो स्मेल से काफ़ी नरिशिंग है। देखते हैं इसका आफ्टर इफेक्ट कैसा होता है। हेलो एंड गुड इवनिंग। पूरा पलटन लेके हम है ऊपर के रूम में। यहाँ पे दीपांजन, यहाँ पे है मेरे चुन्नू एंड मुन्नू, मेरे गुड़ियास, एक यहाँ पे है और एक कहाँ पे गई, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे चल रहा है एक चीज की अनबॉक्सिंग, जो मैं कुछ ही देर में शेयर करती हूँ कि हम क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सुबह मैं उनके शार्ट वीडियो शूट करते करते फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा का बैटरी लो हो गया था। बैटरी को फुल चार्ज देके अब मैं वापस आ गई हूँ। मामू, इचो इचो मामा, अनबॉक्स नहीं हुआ ये, ओपन फ्रॉम द बॉक्स हो गया। ये तो आधा अनबॉक्सिंग हो गया और कहीं पे भी इधर उधर से चीजें निकल रहे हैं। अब इसको असेंबल भी करना है क्योंकि हम जब तक कंपनी लोग भेजे इसको असेंबल करने के लिए हम वेट नहीं कर सकते। भेजेंगे कि भी नहीं, तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट। हेल्प, हाँ, दैट आल्सो वी डोंट नो।
प्रोडक्ट जब खरीदे थे तब लिखा तो था कि फ्री असेंबली, तो वहाँ से लोग आएंगे, बट अभी कोविड सिचुएशन में वो भी थोड़ा मुश्किल है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसलिए अच्छा ही है कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्क्रूज भी दिया हुआ है, तो कर लो, खुद ही कर लो। पापा हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हम और अच्छे से काम कर पाए, पापा के एक्सपीरियंस हम काम पे लगा रहे हैं। दीपांजन अभी जो उसको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, वो है जो इंस्ट्रक्शन का पेपर। तुम्हारे यहाँ पे भी थर्मोकोल लग गया है इधर। की खबर, की खबर, चिन्नू एंड पिन्नू यहीं पे खड़ा होना है तुम दोनों को, और जगह नहीं है। हाँ, गुड गर्ल, गुड गर्ल, भज्जल्लो, जाओ जाओ, गुड गर्ल, समझ गए हो? नहीं, फिर होगा, फिर नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो अब तक आप लोग समझ गए हो हम लोग क्या असेंबल कर रहे थे। हम असेंबल कर रहे थे ये डेस्कटॉप टेबल जो हमने लिया है अमेज़ॉन से, और जो लोग हमारे बंगाली चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है कि दीपांजन उसका छुट्टी तो है नहीं, वर्क फ्रॉम होम है। दोनों चैनल के एडिटिंग के लिए हमें थोड़ा सा रिसोर्स का प्रॉब्लम हो रहा था, सो ही गॉट वन ऑल इन वन PC, उसको सेटअप करने के लिए हमें एक जगह चाहिए था, तो इसके लिए ये टेबल हमने लिया। और इसका पूरा सेटअप करने के बाद ये कैसे दिखता है वो बंगाली चैनल पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज हमने बस टेबल इंस्टॉल किया है, या सुबह ही डिलीवर हुआ था, हम स्प्रे वे करके रख के छोड़ दिए थे आफ्टरनून, अभी हमने असेंबल कर लिया ताकि दीपांजन कल से यहाँ पे आराम से बैठ के काम कर पाए। तो ये एक हेडेक था, ये हो गया सेटअप, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा और कुछ भी हो जाए तो उसके लिए एक सही सेटअप चाहिए था। इस बेड पर बैठ के काम करने पर, सभी को बेड पर या काउच पर बैठ के काम करने पर थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है वो पैर फोल्ड करके, तो इसमें होपफुली वो आराम से बैठ पाएगा। फिलहाल हम यही चेयर यूज़ कर रहे हैं जो हमारे डाइनिंग सेट का एक चेयर है, और बाद में देखेंगे कोई हल्का सा चेयर हो तो ले लेंगे। मैं सब कुछ ऑफ करके नीचे जाती हूँ, फ्लरी कियारा गई है डिनर करने। फ्लरी और कियारा हमारे साथ ऊपर ही थी, बट उतना बड़ा बड़ा प्लैंक के डर से फ्लरी तो पहले ही नीचे चली गई और कियारा अभी गई है, क्योंकि अभी वो लोग करेंगे डिनर। तो देखते हैं नीचे जाके दोनों बदमाश क्या कर रहे हैं। डिनर डन, डन मामा, ना क्लीनी क्लीनी, फेस क्लीनी क्लीनी, डिनर हो जाए, डिनर ভালো ছিল, ভালো ছিল, হ্যাঁ খুব ভালো ছিল। इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों आता है, क्यों को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा, ओके ओके ओके, उसको पसंद नहीं फ्रिज का ठंडा ठंडा टिश्यू है ना। डजंट लाइक इट, शी डजंट लाइक इट, शी डजंट लाइक इट। आ फ्लारी के कि ना शश में ला रहा है कि नो शो, आहा प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल, ओके गुड गर्ल। टाइम तो अपनी देख लिया, बाकी का जो भी काम था घर का वो ख़त्म करके दीपांजन कर रहा है बंगाली चैनल के लिए एडिटिंग, और इसके बाद मैं करूँगी मेरे चैनल के लिए एडिटिंग। इस वीडियो के लिए, ये जो वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ इसको एडिट करूँगी, बीच में डिनर कर लूँगी फिर सो जाऊँगी, तो ऐसे ही चल रहा है अभी स्केड्यूल, क्योंकि हम अभी कुछ दिन बिल्कुल ही घर पर हैं, कहीं जाने का प्लान नहीं है। 14 days के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा प्लान है, तो इसलिए इसका हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
और जितना हो सके घर का काम और वीडियो एडिटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम था, वो है एक लैपटॉप जिसमें दोनों को एडिट करना पड़ता था, उसका ऑफिस का काम भी चलता था, बट उसका प्रॉब्लम भी होपफुली कल से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और जो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं क्योंकि पापा क्या करेंगे इस टाइम पे और बैठ के, और मैं भी सोच रही हूँ कुछ देर जाके जब तक दीपांजन एडिट कर रहे हैं पापा के साथ बैठ के टीवी देखूँ। मेरे पापा एक प्रोग्राम देखते हैं, हमारे दादा मतलब सौरभ गांगुली का एक बंगाली गेम शो आता है रात के 9:30 बजे आता है शायद जी बांग्ला में, उसका नाम है दादागिरी। बहुत ही मज़ेदार गेम शो है, वही पापा देख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी उनको ज्वाइन करूँ जाके कुछ देर के लिए, और फिर डिनर करके फिर बैठ जाऊँगी एडिटिंग के लिए। फ्लरी एंड कियारा का हो गया पूरा दिन, यहाँ पे ये लोग रेस्ट नहीं करते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग एक जगह पे आके बैठते हैं तो दोनों भी कोशिश करते हैं कि सो जाए, और फ्लरी नीचे है क्योंकि फ्लरी को फ्लोर पे, यहाँ का जो रेड फ्लोर है ठंडा रहता है, वो उसको अच्छा लगता है। तो अभी ऑफकोर्स है हमारे सोने का टाइम और बच्चों के भी, अभी एक वीडियो का काम ख़त्म हुआ और दिखाती हूँ आज आप लोगों को कि फ्लरी क्या रखा यहाँ पे सोने के अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं। Phone like there is nothing wrong. You think we can't pretend, keep acting till the end. Oh baby, you're crazy. Think you can sue for me. You know the time. Jinna Bobo. Jinna Bobo. You want Jinna Bobo? तो फ्लरी कियारा के गुड नाइट के साथ मैं भी इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टेक केयर गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय।